हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। और आज मैं आपके बीच में लेके आया हूं गुड डॉट कंपनी का वेजिटेरियन मीट। सबसे पहले मैंने इसके बारे में यूट्यूब पे सुना था कि वेजिटेरियन मीट इंडिया में लॉन्च हुआ है, तो उसके बाद ये काफ़ी मुझे ऑनलाइन ढूंढने पर नहीं मिला, तो बाद में पता चली ये RCM के थ्रू बेच रहे हैं, जो कि गुड डॉट कंपनी का प्रोडक्ट है और RCM के साथ टाई अप है। तो ये प्रोडक्ट मुझे काफ़ी पसंद आया क्योंकि ये वेजिटेरियन मीट है और हमारे बहुत सारे ऐसे मित्र दोस्त होते हैं जो मांस वगैरह नहीं खाते हैं और उनमें प्रोटीन का डेफिशिएंसी रहता है, और जहाँ कुछ ऐसे हमारे दोस्त होते हैं जो मांस मछली को छोड़ना चाहते हैं लेकिन वो छोड़ नहीं पाते क्योंकि हैबिचुअल हो गए होते हैं और कुछ अल्टरनेट प्रोडक्ट चाहिए। तो इस प्रोडक्ट के बारे में अगर मैं बताऊं, जैसे मार्केट में नशा छुड़ाने के लिए निकोटेक्स आता है बबल गम, अगर आप कोई नशा करते हैं तो आप नहीं छोड़ सकते उसको, तो निकोटेक्स यूज़ करते हैं, उसमें थोड़ा नशे के तत्व डाले होते हैं लेकिन धीरे धीरे आप छोड़ सकते हैं। तो वैसे ये वेजिटेरियन मीट है, हम पहले भी चांप वगैरह खाते रहते हैं मार्केट में, लेकिन ये चांप से बहुत ज़्यादा फ़र्क है इसमें। तो मैंने अभी तक कोई 10-12 पैकेट इसके यूज़ कर दिए हैं 2 महीने में, तो मैंने सोचा अभी वीडियो बना के आपको बताता हूँ उसके बारे में। इसमें नो प्रिजर्वेटिव, नो मीट, नो एग, नो डेयरी प्रोडक्ट, नो GMO, GMO यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी नहीं है कुछ, यानी कि नेचुरल तरीके से जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो डाले गए हैं इसमें है। तो इंग्रेडिएंट्स में जितना भी है ज़्यादातर इसमें दालें वगैरह डाली गई हैं, ऑलमोस्ट मैं यही कहूँगा जैसे सोया प्रोटीन जैसे कि चांप वगैरह लेते हैं वैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा फ़र्क क्या किया है कंपनी ने कि जो इसमें जो मसाले वगैरह है उसकी फ्लेवरिंग पहले से की गई है, और जब हम इसको बनाते हैं तो ये बिल्कुल मीट की तरह ही दिखता है। अगर हम इसको खा रहे हैं तो हम जहर ही पहचान सकते हैं कि यह मीट है या नहीं है, पूरा मीट की तरह ही आपको स्वाद आएगा। और बाकी इसके न्यूट्रिशन फैक्ट की अगर मैं बात करूँ, आप ये फोटो देख सकते हैं, अगर इसमें मैं प्रोटीन की बात करूँ तो इसमें 25 ग्राम डाला गया है, यानी कि 100 ग्राम में 25 यानी कि 1/4, 1/4 हिस्सा इसमें प्रोटीन है, बाकी इसमें ट्रांस फैटी एसिड 0 है जो कि हमें नहीं चाहिए होता, नुकसान करता है। अगर मैं आपको इसके बारे में और बताऊं तो ये फैमिली पैक है, अगर आप इसको अकेले में यूज़ करेंगे तो ये आपके पेट में गड़बड़ कर सकता है क्योंकि ये तेल के साथ ही अच्छा बनता है, जैसे चांप हम तेल में भूनते तो तभी अच्छा बनता है। अगर आपके पास रोस्टिंग का कुछ ऑप्शन है तो वो आप बना सकते हैं, मैंने लेकिन जितनी बार इसको बनाया वो तेल के साथ ही बनाया है। तो अगर अकेले में आप ये पूरा खाने की कोशिश करेंगे क्योंकि 250 ग्राम है तो आपके पेट में गड़बड़ कर सकता है क्योंकि इसमें तेल भी काफ़ी डलेगा प्याज और टमाटर को भूनने के लिए, बाकी स्टीम वगैरह अगर आप रेसिपी बनाते हैं तो वो बात अलग है, लेकिन मैंने जितनी बार इसको बनाया है तेल के साथ भून के बनाया है। इसके अगर रेट की मैं बात करूं तो ये अभी 135 का पड़ा, पहले मैं 125 का लिया करता था लेकिन इस बार गया तो इसका कोई 10 रुपये रेट ज़्यादा बढ़ गया है, अभी ये 135 का पड़ा है। बाकी ये उन दोस्तों के लिए बहुत अच्छा है जो मीट को छोड़ना चाहते हैं, कई बार हम मांस नहीं खाना चाहते और हमें अच्छा भी नहीं लगता, और लेकिन ऐसी आदत पड़ गई होती है कि हम चाहते हैं कि इसको छोड़ दें लेकिन ऑप्शन नहीं होता। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो ये दालों से बनाया गया है और वेजिटेरियन है, तो आप वो जानवरों से जो प्रेम होता वो भी बरकरार रख सकते हैं कि मैं जानवरों को नहीं मारना चाहता या मेरे कारण मरे वो मुझे पसंद नहीं है, तो वो भी आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए अच्छा है। बाकी टेस्ट वाइज अच्छा है, मैंने खुद यूज़ किया, अगर आप चाहें तो इसको ले सकते हैं किसी भी RCM के स्टोर से, जो आपको मिल जाएगा। और ये टोटल वेजिटेरियन है, मैं भी खुद भी वेजिटेरियन हूँ, मैं भी नहीं मांस अंडा मीट वगैरह खाता, तो ये वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके रिश्तेदारों में कुछ ऐसे दोस्त हैं जो मीट मांस को छोड़ना चाहते हैं तो आप उनको भी ये यूज़ करवा सकते हैं। ओके दोस्तों, वीडियो को बंद करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक नई अवेयरनेस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।